तो पहले दो साल में क्या हालत थी आपकी? माल नहीं आता, ये सिटी लगाने मतलब शुरू करने से पहले क्या हालत थी? माल नहीं निकलता, डेवलप नहीं था बिल्कुल, मतलब डेवलप ही नहीं था। रिंग में नहीं गया था, मतलब रिंग पर भी नहीं गया था। कितने साल में? दो साल में। क्या बात कर रही। और ये पास में जो है वो 10 महीने में माल आ गया। माल आ गया, इतना फर्क है। ये चमत्कार जैसे नहीं लगता आपको? चमत्कार चमत्कार ही है। चालीस लाख तक जाएगा। आगे जाएगा। मतलब जो निचला वाला आपने एक लगाया वो भी एक चमत्कार है। एक 10 महीने का आपका, अभी अभी गए थे हम देखने के लिए, वो कितने महीने का है? 10 महीने। वो 10 महीने में रिंग पे भी चढ़ गया और क्या भी कैसा हो गया। 2-3 किलो माल भी निकला सर। निकल भी गए 3-3 किलो माल, 4 किलो जो माल निकला। एक पोल पे निकला भी है, मैं आखिर तक निकलेगा। 4 किलो भी पकड़ेंगे तो 1100 में कितना हो गया? 4 टन हो गया। आपके हिसाब से कम छह लाख तो आज आराम से, 6-7 लाख तो आराम से हो जाएंगे। उसके भी साल निकलेगा, 4-5 लाख रुपए का खर्चा आपका पोल का वगैरह सब। पहली साल में निकल गया। अभी दिख रहा है ना बाकी बात। अभी देखा हमने, ये ड्रोन से भी देखा, सब देखा। कोई बोलते है कि ऐसा कैसा हो गया, लेकिन तो वो दिख रहा है ना आँख से, आपके आँखों से सामने है। आगे और सब, और सबसे बड़ी चमत्कार की बात क्या है मालूम है आपको? बारिश के मौसम में माल है। अगर इसको काटेंगे, अभी बारिश का मौसम है, कौन सा महीना चल रहा है अभी? जुलाई का। और तारीख कितनी? 23 बराबर है ना सर? सैटरडे आज, बराबर है। ये 23 की तारीख है और सुबह के 9:51 हुए, नासिक में है एरिया में हम। और अभी यहाँ पे हमने देखा है कि 23 तारीख है, बराबर है। 23 जुलाई मतलब ये बारिश ही चल रही है अभी। और पिछले 15-20 दिन क्या चल रहा था? फुल बारिश थी। फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखता है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं। वैसे तो जून में चालू होता है, लेकिन इस साल बारिश देर से आई ना, तो बाहर भी देर से लगा है। लेकिन बाकी के किसी का भी नहीं ना आज? हाँ, आज के अरे तारीख में तो नासिक जिले में तो अपना ही आपका ही चालू है सिर्फ। तो फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बारिश में आया तो उसकी क्वालिटी ऐसी ही रहती है। हाँ। वो मीठा नहीं लगता है। हाँ। और बहुत हल्का रहता है। हाँ। और इसीलिए तो सड़ता है ना। हाँ। अभी ये कड़क कितना है देखिए, एकदम कड़क है। ये गिर भी जाएगा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। हाँ। बराबर है, मतलब मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी ये दिखाना पड़ता है। अगर ड्रैगन का पका हुआ फल नीचे गिरेगा तो वो दब जाता है। सही है। तो अभी इसको मैंने डाल दिया था नीचे, फिर भी इसको कुछ हुआ नहीं। मेरे हिसाब से इसको गेंद की तरह फेंक के देखो, देखो कट नहीं रहा है। इसकी छाल देखिए कितनी जबरदस्त है, ये देखिए सर क्या है। ये आदमी का इतना खून नहीं निकलता, आदमी को काटो आजकल के इतना खून नहीं निकलता। मतलब मैंने काटा ऐसा नहीं है लेकिन पिक्चर में देखता हूँ मैं। वैसे ड्रैगन फ्रूट से खून बढ़ता है सर। अच्छा। हाँ। हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हाँ, जबरदस्त। ये पकड़ी अभी, ये चमत्कार देखी है कि नहीं, एकदम बढ़िया। तो अभी इसको थोड़ी छाल निकालेंगे। ये इसका जो मोटाई है वो देखिए, जबरदस्त है। छाल देखो, देखो इसकी शाइनिंग देखो। ये देखो क्या क्वालिटी है। और इसकी छाल कितनी कड़क है देखो सर, कितना जबरदस्त है, खतरनाक है ना। हाँ, अभी इसकी क्वालिटी अगर देखेंगे हम, देखो जबरदस्त छाल है। तो इतनी छाल अगर इस बारिश के मौसम में है तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आप केमिकल के पीछे भागोगे तो आपके हाथ में जहर ही होगा। हाँ, जब तक आप लोहा बना रहे हैं ना खेती में, तब तक वो भंगार का ही बाजार मिलेगा आपको।
सही है गलत है? सही है। आप थोड़ा लेट हो गए, आपका माल भंगार हो गया, सही है ना? सही है। आप लोहे का सामान डाल दो बारिश में, चार पांच दिन में उसका क्या हो जाता है, गंध चढ़ जाता है। ऐसे ही आजकल का जो केमिकल का माल है उसको खराब हो जाता है। हर कोई जो है वो चाहता है कि मेरा माल अच्छा हो, उसमें क्वालिटी हो, बराबर है। अभी इसको पकड़िए, ये देखो इसका पीछे का जो ये है, ये कितना कड़क है देखो, है गिर नहीं रहा है वो। आज का मार्केटिंग का देखेंगे तो आजकल ऑर्गेनिक को ज्यादा डिमांड है, है ना? हाँ, ये तो वैदिक है। हाँ। ये खाली ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये क्या है? वैदिक है। अपने आप पानी में जा रहा है, खाने की दिक्कत नहीं, जिसको दापने उसको चबाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत मीठा है सर। कैसा था पहले, कैसा था? बहुत ही बुरी हालत थी, जितना सब है ना। आप वो मतलब दो साल पहले आए थे? आए थे, मैंने पहली बार इधर। कैसे कैसा था वो? इसके ये पौधे का जो अभी कंडीशन है ना, वो रिंग पे भी नहीं गया था, रिंग पे नहीं था और पूरा सड़ेला था, पानी गिर रहा था उसपे। अरे बाप रे, ये ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा ये देखो, ये ऐसा हो गया था, सब पानी गिर। ओके ओके ओके, ये टूट गया शायद किसी से, तो ये ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, उससे पानी निकल रहा था। हाँ, पहली बार। ओके, वो ढोस डालने के बाद है ना, अपना कृषि अमृत, तब वैदिक प्रोडक्ट नहीं, मतलब कृषि अमृत सॉइल चार्जर वगैरह दिया तब, तीन बहुत लेट हो गया था वो, पहला डोज भी लेट हो, मार्च में डाला था, फिर भी डेवलप हो गया, डेवलप हो गया। और आज कैसे दिख रहा है? आज बहुत वो वैदिक का मजा, बहुत मीठा है। और वैसे हमारा नाम तो वैदिक और एसिटी यूज करने से हो गया है। हाँ, मतलब आपका ये जो नाम है ये एसिटी यूज करने से नासिक जिले फैल गया पूरा। हाँ। नासिक जिले में कितने किसानों ने आपसे लिया है ये पूरा गाइडेंस? और आप ये भी देते हैं ना? हाँ, रोप भी देते हैं आप? हाँ, देते हैं। तो वो कैसे है, मतलब आपका रेट कैसा है और कैसी गाइडेंस करते हैं आप? अपने 35 रुपए को देते, एक उंडी देते। पिछले साल में 18 लाख रुपए हो गया 2 एकड़ में, उसके पहले कुछ भी नहीं होता था, घाटे में थे, और नीचे लगाया था आपने, तुरंत लगाया था वो, ये आप क्या बोल रही थी, वो सब छोड़ दिया था करने का नहीं था। ऐसा वो मतलब नाराज हो गए थे पूरे, उसके पहले भी बहुत बुरे हालत थे, और मतलब जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, ये सिटी चालू किया ना तो ये पूरा ये पान दिख रहा है ना। हाँ। ये नहीं था, ये उसकी वजह से अभी। ओके। ये फल है ना, ये अपना वैदिक की वजह से, वैदिक की वजह से इतना। हाँ। फल आया। हाँ। सर और एक बात, ये लड़के 11 बजे तक काम करते, थकते नहीं, रात्रि रात के 11 बजे तक, 11 बजे तक फल अच्छा दिखता। सही बोल रहे की सही। और पहले जब आप खेती करते थे और आज करते हैं 2 साल बाद, तो क्या फर्क लग रहा है? हमारा भी विश्वास नहीं है सर कि हम इतना देख रहे हैं, इतना अच्छे दिन देख रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन देख रहे हैं। अच्छा। सबको आजू बाजू में है ना, सब देख रहे किधर से आ रहा है इतना, ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं सर? गाड़ी भी ले ली, बंगला भी काम चालू है, कोई बोले तो बोले, गाड़ी भी ली, ये तो बहुत बार बोलते हैं। गाड़ी कितने की ली अभी? 9 लाख। अच्छा, वो मतलब माल लेके जाने के लिए? हाँ, इन्होंने कार नहीं ली है, माल लेके जाने के लिए। हाँ, वो पिकअप छोटा, अच्छा ये लिया है, हाथी लिया है, अशोक लेलंग का। ओके, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ऐसी ही दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की करो। और मिट्टी को जिंदा करो, आज आप मिट्टी के लिए, इसका सीक्रेट क्या है? तो आप हर कितने दिन में आप इसका बेसल डोज भरते हैं? हर 1.5 महीने में आप इसको बेसल डोज भरते हैं वैदिक का, पूरा शेड्यूल अपना जो है वो हम जो दिया है 60 दिन का, आपने वो 45 दिन का कर दिया। हाँ। इसकी बदौलत ये सब है। इसका हार्वेस्टिंग 15 दिन में आता है ना? हाँ, डायरेक्ट रोटेशन चल रहा है अभी इसका, अभी रेगुलर चल रहा है। सर, अभी एक फल कट। देखो, एक कली भी है, वो सेटिंग हुआ है, ये देखिए, नहीं नहीं ये कली है, ये यहाँ पे देखिए, ये फूल अभी अभी ताजा ताजा सेटिंग हुआ है, अभी ये तैयार हो गया है, और ये अभी करीब करीब देखो कुछ कुछ, ये देखो, ये देखो सर, ये हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा लेट है और ये तैयार है, मतलब 5 के 5 स्टेज है, और आपने 12 लाख का बेच भी दिया है। हाँ। मतलब ये सब पकड़ के। हाँ, अभी ये
तो ये तो आपको तो काम पे लगा दिया इन्होंने, पहली बार में तो 12 लाख तक जाएगा। अपना चुत्ता है खाली। क्या नहीं बहुत बढ़िया। आप नासिक मार्केट में जाते हो खाली, आपका ही माल रहता है? हाँ। ओके। आज की तारीख में तो आप नहीं, मतलब ये साल में आप आधा करोड़ का टर्नओवर करोगे? हाँ। इस साल ज्यादा गर्मी थी ना। हाँ। की वजह से वो फूल नहीं निकल रहा था। अपने अपना वो एनर्जी बूस्टर डाला था, और उसके साथ में दिस इज फाइटर, उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप सेटिंग चार्जर का कैसे रिस्पॉन्स मिला? उसके वजह से वो फूल ज्यादा आ गए, एनर्जी बूस्टर, डिसीज फाइटर, सेटिंग चार्जर और लिप चार्जर की वजह से ये मिल गया। और आप बगीचे में अभी आ रहा है लेकिन अपना आगे, आप बहुत आगे, कितने दिन आगे? कम से कम 10-15 दिन आगे। आपका माल कब से खत्म ही हो गया है एक लेवल का? ओके, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बधाई हो। आपके कर सकती हमारा रहने का तरीका एकदम सीधा है, लेकिन ये सिटी वजह से हम ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए। क्या बात है, वेरी गुड, तालियां बजाओ एक दो बार। उसकी वजह से जैसा, अरे वैदिक की वजह से अगर किसान अगर धनवान बनेगा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मिट्टी बलवान तो फसल पहलवान, तो किसान धनवान, और ग्राहक ये खाके कैसे बनेगा? आरोग्यवान बनेगा, सही है ना? तो ये हमारा मूल मंत्र है और यही लेके हम आगे जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, अगर आपको ये सिटी वैदिक नहीं मिलता तो हम फिर जमीन पे रहते, कुछ नहीं, डेवलप नहीं था ना हमारा, बोलिए जगन्नाथ जी, हमारा पूरा वैदिक नहीं था। नाम तो जगन्नाथ है आपका, लेकिन कितना मुश्किल से गुजरे आप, कितनी तकलीफ से, सब अच्छा हो गया। आप भगवान को धन्यवाद देते हैं? हमारे तालुके में हम अलग हो गए अभी। हाँ। एक स्पेशल हो गए। हाँ, सेलिब्रिटी हो गए, सेलिब्रिटी। हाँ, ऐसे बोलो। ओके, वेरी गुड। नाम भी दिया ना उनको। प्लॉट। हाँ, श्रीराम ड्रैगन फ्रूट। श्रीराम ड्रैगन फ्रूट। क्यों? आपसे इतने प्रभावित हो गए सर। मेरा नाम डाल दिया। अरे बाप रे। अरे बाप रे। थैंक यू सो मच, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, आप इतना हमारा आदर सत्कार करते हैं उससे भी बहुत अच्छा लगा। देखो, मैं भी पहले से किसान का ही लड़का हूँ और आज भी किसान हूँ, मैं भी खेती करना चाहता हूँ, और आपका जब सुना कि आपका ये साल बहुत अच्छा, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, गाड़ी लिया, बंगला हो गया, अभी और अच्छा नीचे और एक बगीचा लगा दिया, तो सब जो नौजवान किसान खेती कर रहे हैं या जो भी महिलाएँ खेती कर रही है, उन सब के लिए आप सब आशा की किरण हो, और आपकी आधी से ज़्यादा जिंदगी बहुत मुश्किल में गई, मतलब जीरो में थी खूब, और अभी ये हीरो हो गई है। तो अब आप जैसे, मेरे हिसाब से कम मैं जितने किसानों को मिला हूँ वही देख के, ऐसे हजारों किसान हो गए, लेकिन आप उसमें से खास हो, क्योंकि आप सबके साथ वो जानकारी शेयर करते हो, सबको प्रोत्साहन देते हो, बहुत सारे किसानों को आपने ये प्लांटेशन दिया ना, उसका तो काम हो गया, सक्सेसफुल करना है सबको। नमस्कार किसान भाइयों, आज नासिक जिले में जो येवला तहसील आता है उसके अंदर यहाँ पे हम एक ड्रैगन खेती में यहाँ पे आए हुए हैं, जो करीबन 1.5 साल से एस सी टी यूज़ कर रही है। पहले एस सी टी यूज़ किया उन्होंने 1 साल, और अभी आधा साल से, मतलब 1-6 महीने से वो अभी वैदिक यूज़ कर रहे हैं 100%, मतलब कोई गोबर खाद को भी छानिया खतर नहीं है, कोई FOM नहीं है, और कोई उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, वाटर सोल्यूबल कुछ भी नहीं, सही है? ओके, थोड़ा उनसे आप परिचय करवाते हैं पहले। सर, जगन्नाथ चौहान। आपका नाम बताइए। जगन्नाथ राव जी चौहान। ओके, ये सरला जी है और ये जगन्नाथ जी है, तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे करीबन पिछले 15-20 साल से खेती कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे हिसाब से 3 साल पहले, ये कितने साल का हो गया? 3 साल, 4 साल का हो गया। तो उन्होंने 4 साल पहले ये ड्रैगन लगाया,
तो पहले दो साल में क्या हालत थी आपकी? माल नहीं आता। एस सी टी लगाने शुरू करने से पहले क्या हालत थी? माल नहीं निकलता। डेवलप नहीं था बिल्कुल। मतलब डेवलप ही नहीं था? रिंग में नहीं गया था। मतलब रिंग पर भी नहीं गया था? कितने साल में? दो साल में। क्या बात कर रही। और ये पास में जो है वो 10 महीने में माल आ गया। माल आ गया, इतना फर्क है। ये चमत्कार जैसे नहीं लगता आपको? चमत्कार ही है। तो फिर आपने ये सिटी, आपको कहाँ से मालूम हुआ ये सिटी? मैंने YouTube पे देखा था। 40 लाख तक जाएगा। 40 से आगे जाएगा। आगे जाएगा। मतलब जो निचला वाला आपने एक लगाया वो भी एक चमत्कार है। एक 10 महीने का आपका, अभी अभी गए थे हम देखने के लिए, वो कितने महीने का है? 10 महीने का। वो 10 महीने में रिंग पे भी चढ़ गया और भी कैसा हो गया? 2-3 किलो माल भी निकला सर। निकल भी गए? 3-3 किलो माल, 4 किलो माल निकला। एक पोल पे निकला भी है, मैं आखिर तक निकलेगा। 4 किलो भी पकड़ेंगे तो 1100 में कितना हो गया? 4 टन हो गया। आपके हिसाब से कम से कम 6 लाख तो आ जाए, आराम से 6-7 लाख तो आराम से हो जाएंगे। उसके भी साल 4-5 लाख रुपए का खर्चा आपका पोल का वगैरह सब पहली साल में निकल गया। अभी दिख रहा है ना बाकी बात। अभी देखा हमने, ये ड्रोन से भी देखा, सब देखा। कोई बोलते है कि ऐसा कैसा हो गया, लेकिन तो वो दिख रहा है ना आँख से, आपके आँखों से सामने है। हाँ, आगे। और सबसे बड़ी चमत्कार की बात क्या है मालूम है आपको? बारिश के मौसम में माल है। 15 दिन से लगातार। एक आप काट के देखेंगे, अगर इसको काटेंगे, अभी बारिश का मौसम है। कौन सा महीना चल रहा है अभी? जुलाई का। और तारीख कितनी है? 23 बराबर है ना सर? सैटरडे आज बराबर है, ये 23 की तारीख है और सुबह के 9:51 है, नासिक में है एरिया में हम। और अभी यहाँ पे हमने देखा है कि 23 तारीख है बराबर है, 23 जुलाई, मतलब ये बारिश ही चल रही है अभी। और पिछले 15-20 दिन क्या चल रहा था? बारिश चल रही, फुल बारिश थी। फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखता है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं। वैसे तो जून में चालू होता है, लेकिन इस साल बारिश देर से आई ना, तो बाहर भी देर से लगा है। लेकिन बाकी किसी का भी नहीं है ना आज? हाँ, आज के तारीख में तो नासिक जिले में अपना आपका ही चालू है सिर्फ। तो फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बारिश में आया तो उसकी क्वालिटी ऐसी ही रहती है। हाँ। वो मीठा नहीं लगता है और बहुत हल्का रहता है और इसीलिए तो सड़ता है ना। अभी ये कड़क कितना है देखिए, एकदम कड़क है। ये गिर भी जाएगा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा बराबर है। मतलब मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी ये दिखाना पड़ता है। अगर ड्रैगन का पका हुआ फल नीचे गिरेगा तो वो दब जाता है। हाँ। सही है। तो अभी इसको मैंने डाल दिया था नीचे, फिर भी इसको कुछ हुआ नहीं। मेरे हिसाब से इसको गेंद की तरह फेंक के देखो, देखो कट नहीं रहा है। इसकी छाल देखिए कितनी ज़बरदस्त है, ये देखिए सर क्या है। ये आदमी का इतना खून नहीं निकलता, आदमी को काटो आजकल के इतना खून नहीं निकलता। मतलब मैंने काटा है ऐसा नहीं है लेकिन पिक्चर में देखता हूँ मैं। वैसे ड्रैगन फ्रूट से खून बढ़ता है सर। अच्छा। हाँ। हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हाँ, जबरदस्त। ये पकड़ी अभी, ये चमत्कार देखिए है कि नहीं, एकदम बढ़िया। तो अभी इसको थोड़ी छाल निकालेंगे। ये इसका जो मोटाई है वो देखिए जबरदस्त है। इसकी छाल देखो, देखो इसकी शाइनिंग देखो। ये देखो क्या क्वालिटी है, और इसकी छाल कितनी कड़क है देखो सर, कितना जबरदस्त है, खतरनाक है ना। हाँ, अभी इसकी क्वालिटी अगर देखेंगे हम, देखो जबरदस्त छाल है। तो इतनी छाल अगर इस बारिश के मौसम में है तो ये चमत्कार से कम नहीं है। हाँ। ये वैदिक की ताकत है। आप केमिकल के पीछे भागोगे तो आपके हाथ में जहर ही होगा। हाँ, जब तक आप लोहा बना रहे हैं ना खेती में, तब तक वो भंगार का ही बाजार मिलेगा आपको। सही है गलत है? सही है। आप थोड़ा लेट हो गए तो आपका माल भंगार हो गया। सही है ना? सही है। आप लोहे का सामान डाल दो बारिश में, 4-5 दिन में उसका क्या हो जाता है, गन चढ़ जाता है। ऐसे ही आजकल का जो केमिकल का माल है उसको खराब हो जाता है। हर कोई जो है वो चाहता है कि मेरा माल अच्छा हो, उसमें क्वालिटी हो,
बराबर है। अभी इसको पकड़िए, ये देखो इसका पीछे का जो ये कितना कड़क है देखो, है गिर नहीं रहा है वो, देखो कितना पैक है वो, ये चमत्कार से कम नहीं है। आज का मार्केटिंग का देखेंगे तो आजकल ऑर्गेनिक को ज्यादा डिमांड है ना। हाँ ये तो वैदिक है, ये खाली ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये क्या है, वैदिक है। इधर आइए सर जी, ये हमारे एरिया के जानी मानी प्रगतिशील खेत किसान है, देखो मैं देने के पहले वो आगे बढ़ा रहे। सब्र कीजिए, सब्र सब्र का फल कैसे रहता है, सब्र का ड्रैगन मीठा रहता है। मैं भी थोड़ा सा मजा लेता, आप लीजिए ये देखिए। अपने आप पानी हो जा रहा है, खाने की दिक्कत नहीं, जिसको दांत में उसको चबाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत मीठा है सर। सर मीठा ही है पहले से, ड्रैगन मीठा है आपके बदौलत ही मीठा है ना सर। और चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, सबने कहा है उन्होंने। कैसा था पहले, कैसा था? बहुत ही बुरी हालत थी जितना। हाँ। सब है ना, आप वो मतलब दो साल पहले आए थे? आए थे, मैंने पहली बार इधर। कैसे कैसा था वो? इसके ये पौधे का जो अभी कंडीशन है ना, वो रिंग पे भी नहीं गया था, रिंग पे नहीं था और पूरा सड़ेला था, पानी गिर रहा था उस पे। अरे बाप रे, ऐसा हो गया था, ऐसा ये देखो, ये ऐसा हो गया था, सब पानी गिर रहा था। ओके ओके ओके, ये टूट गया शायद किसी से, तो ये ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, उससे पानी निकल रहा था पहली बार। ओके, वो डोज डालने के बाद है ना, कृषि अमृत वैदिक प्रोडक्ट नहीं, मतलब कृषि अमृत सॉइल चार्जर वगैरह दिया तब तीन, बहुत लेट हो गया था वो, पहला डोज भी लेट है, मार्च में डाला था, फिर भी डेवलप हो गया, डेवलप हो गया। और आज कैसे दिख रहा है? आज बहुत है वो वैदिक का मजा, बहुत मीठा है। और ये मतलब इनको देख के तो आपको भरोसा करना चाहिए, इतना दिल से बोल रहे तो सर, बराबर है ना? बराबर है सर, जो भी किसान बोलते है ना उनका ही नाम लेते हैं। और आपका भी संत नामदेव का ही नाम है ना, नाम लखा है आजो वाला। वैसे हमारा नाम तो वैदिक और एसिटी यूज करने से हो गया ना। हाँ, मतलब आपका पे ये जो नाम है ये एसिटी यूज करने से नासिक जिले फैल गया पूरा। हाँ। नासिक जिले में कितने किसानों ने आपसे लिया है ये पूरा गाइडेंस, और आप ये भी देते है ना? हाँ, रोप भी देते है आप? हाँ, देते है। तो वो कैसे है, मतलब आपका रेट कैसा है और कैसी गाइडेंस करते हैं आप? अपने 35 रुपए, 35 रुपए को देते, एक कुंडी देते। ओके, कितना बड़ा रहता है? एक फीट का रहता है। तो मतलब ये सब आपको जो एक्सपीरियंस है, पिछले साल में 18 लाख रुपए हो गया 2 एकड़ में, उसके पहले कुछ भी नहीं होता था, घाटे में थे, और नीचे लगाया था आपने, तुरंत लगाया था, ये आप क्या बोल रही थी, वो सब छोड़ दिया था करने का नहीं था ऐसा, वो मतलब नाराज हो गए थे पूरे। उसके पहले भी बहुत बुरे हालात थे, डिस्टर्ब हो गई थी सर जी, बहुत नाराज हो गए थे। हाँ। सर पहले अभी एसीटी यूज नहीं कर रहे थे ना। हाँ। तब एसीटी चालू किया तो नहीं, अभी आगे भी लगा देंगे, और लगा मतलब जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, एसीटी चालू किया ना तो ये पूरा ये पान दिख रहा है ना। हाँ। ये नहीं था, ये उसकी वजह से अभी। ओके। ये फल लेना, ये अपना वैदिक की वजह से, वैदिक की वजह से इतना फल आया सर। और एक बात, ये लड़के 11 बजे तक काम करते, थकते नहीं, रात्रि रात के 11 बजे तक, 11 बजे तक सही बोल रहे सही। और तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। आ गया तो कई चीज लेके ही खड़ा है, बोलो सिर्फ मैं काट के देता हूँ। कैसे लग रहा है विशाल? अच्छा लग रहा। मतलब ये पहले वाले कंडीशन क्या थी, और आज थकते क्यों नहीं आप? जोश आ गया ना। जोश आ गया, मजा आ रहा है, अच्छा दिख रहा है, पैसा भी आ रहा है, पापा दररोज 1 लाख रुपए ले रहे आ रहे, लेके आ रहे। हाँ, आपको कैसे लगता है? पहले के दिन एक एक फल खाते सब? अच्छा, नहीं नहीं, पहले जब आप खेती करते थे और आज करते हैं 2 साल बाद, तो क्या फर्क लग रहा है? हमारा भी विश्वास नहीं है सर कि हम इतना देख रहे हैं, इतना अच्छे दिन देख रहे। हाँ, अच्छे दिन देख रहे हैं। अच्छा। किसी को सबको आजू बाजू में है ना, सब देख रहे किधर से आ रहा है इतना, ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं सर? गाड़ी भी ले ली, बंगला भी काम चालू है, कोई बोले तो बोले, गाड़ी भी ली, ये तो बहुत बार बोलते हैं। गाड़ी कितने की ली अभी? 9 लाख। अच्छा, वो मतलब माल लेके जाने के लिए? हाँ, इन्होंने कार नहीं ली है, माल लेके जाने के लिए। हाँ, वो पिकअप छोटा, अच्छा ये लिया है, हाथी लिया है, अशोक लेलंग का। ओके, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ऐसी ही दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की करो,
और मिट्टी को जिंदा करो। आज आप मिट्टी के लिए, इसका सीक्रेट क्या है? तो आप हर कितने दिन में आप इसका बेसल डोज भरते हैं? हर डेढ़ महीने में आप इसको बेसल डोज भरते हैं वैदिक का। पूरा शेड्यूल अपना जो है वो हम जो दिया है 60 दिन का, आपने वो 45 दिन का कर दिया। हाँ। इसकी बदौलत ये सब है। इसका हार्वेस्टिंग 15 दिन में आता है ना? हाँ, डायरेक्ट रोटेशन चल रहा है अभी इसका। अभी रेगुलर चल रहा है। सर, अभी फल कटिंग हो गया ना? हाँ, अभी फिर से मतलब इसके ऊपर सर देखिये एक कली भी है, वो सेटिंग हुआ है भाई। ये देखिए, नहीं नहीं ये कली है, ये यहाँ पे देखिए, ये फूल अभी अभी ताजा ताजा सेटिंग हुआ है, अभी ये तैयार हो गया है। और ये अभी करीब करीब देखो कुछ कुछ, ये देखो, ये देखो सर, ये हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा लेट है और ये तैयार है, मतलब 5 के 5 स्टेज है। और आपने 12 लाख का बेच भी दिया है। हाँ। मतलब ये सब पकड़ के। हाँ, अभी ये पूरा, तो ये तो आपको तो काम पे लगा दिया इन्होंने। पहली बार में तो 12 लाख तक जाएंगे। अपना कामच उत्ता है खाली। बहुत बढ़िया। आप नासिक मार्केट में जाते हो, खाली आपका ही माल रहता है? आज की तारीख में तो आप नहीं, मतलब ये साल में आप 1/2 करोड़ का टर्नओवर करोगे? इस साल ज्यादा गर्मी थी ना। हाँ। की वजह से वो फूल नहीं निकल रहा था। अपने अपना एनर्जी बूस्टर डाला था, और उसके साथ में डिसिस फाइटर, उससे अच्छा रिस्पांस मिला। अब सेटिंग चार्जर का कैसे रिस्पांस मिला? उसके वजह से वो फूल ज्यादा आ गए। एनर्जी बूस्टर, डिसीज फाइटर, सेटिंग चार्जर और लिप चार्जर की वजह से ये मिल गया। और आप बगीचे में अभी आ रहा है, लेकिन अपना आगे, आप बहुत आगे, कितने दिन आगे? कम से कम 10-15 दिन आगे। आपका माल कब से खत्म ही हो गया है एक लेवल का? ओके, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बधाई हो। आपके जो रोप आप बनाते हो, वो रोप के लिए आप सबको मतलब नंबर दीजिए आपका, और गाइडेंस के, आप गाइडेंस भी करते हैं ना? हो, गाइडेंस। 2 साल पहले आप कुछ नहीं जानते थे, नहीं, नहीं। तो आप फेल गए थे। हाँ। आप सब जानकारी मिल गई है। वो रोप ही नहीं है रहा, बाकी अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है, बनाइए बनाइए। हाँ, फिर भी नंबर बताइए। अवेलेबल नहीं है मतलब वो अभी ज्यादा जा रहा है अपने। अच्छा अच्छा, ज्यादा तेजी से जा रहा है। कितने किसानों को दिया है आपने आज तक? जलगांव को दिया। अच्छा, औरंगाबाद। अच्छा, पूरे पूरा भेज रहे हैं आप? पूरा महाराष्ट्र में भेज रहे हैं? ओके, कितने किसानों के पास गया होगा? 40-50 किसानों इन्हीं है? ओके, 40-50 हज़ार प्लांटेशन कर दिया आपने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबर बताइए आपका, बताओ तो आपका बताओ और आपका बताओ। 8788-19-41-68 आप इनको, तुषार को कॉन्टेक्ट करो। इनका बताइए, 7499-22-9702-2। ये सरला जी का नंबर है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी महिलाएं खेती करते हैं वो सरला जी को कांटेक्ट कर सकती है। हमारा रहने का तरीका एकदम सीधा है, लेकिन ये सिटी वजह से हम ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, तालियां बजाओ एक दो बार। अरे वैदिक की वजह से अगर किसान अगर धनवान बनेगा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मिट्टी बलवान तो फसल पहलवान, तो किसान धनवान, और ग्राहक ये खाके कैसे बनेगा? आरोग्यवान बनेगा, सही है ना? तो ये हमारा मूल मंत्र है और यही लेके हम आगे जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये अब जो स्लोगन है ना, वो स्लोगन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इन्होंने पीछे से मतलब उसके नीचे एक लाइन लगाना है अभी वैदिक का, ग्राहक आरोग्यवान। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, अगर आपको ये सिटी वैदिक नहीं मिलता तो हम फिर जमीन पे कुछ नहीं, डेवलप नहीं था ना हमारा, डेवलप नहीं था। बोलिए जगन्नाथ जी, हमारा पूरा ये वैदिक नहीं था। नाम तो जगन्नाथ है आपका, लेकिन कितना मुश्किल से गुजरे आप, कितनी तकलीफ से। हाँ, टेंशन तक आपने मिला ना। हाँ, खुशी अमृत। हाँ, वैदिक तब सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। आप भगवान को धन्यवाद देते हैं? हमारे तालुके में हम अलग हो गए अभी। हाँ। एक स्पेशल हो गए। हाँ, सेलिब्रिटी हो गए, सेलिब्रिटी। हाँ, ऐसे बोलो। ओके, वेरी गुड। अभी नाम भी दिया उनको। हाँ, प्लॉट। हाँ, श्रीराम ड्रैगन फ्रूट। श्रीराम ड्रैगन फ्रूट। हाँ, हम आप क्यों आपसे इतने प्रभावित हो गए सर, मेरा नाम डाल दिया। हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे। थैंक यू सो मच, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इतना हमारा आदर सत्कार करते हैं उससे भी बहुत अच्छा लगा। देखो, मैं भी पहले से किसान का ही लड़का हूँ और आज भी किसान हूँ, मैं भी खेती करना चाहता हूँ। और आपका जब सुना कि आपका ये साल बहुत अच्छा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, गाड़ी लिया, बंगला हो गया, अभी और अच्छा नीचे और एक बगीचा लगा दिया,
तो सब जो नौजवान किसान खेती कर रहे हैं या जो भी महिलाएं खेती कर रही है, उन सब के लिए आप सब आशा की किरण हो। और आपकी आधी जिंदगी, आधी से ज़्यादा जिंदगी बहुत मुश्किल में गई, मतलब जीरो में थी खूब, और अभी ये हीरो हो गई है। तो अब आप जैसे, मेरे हिसाब से कम मैं जितने किसानों को मिला हूँ वही देख के, ऐसे हज़ारों किसान हो गए, लेकिन आप उसमें से खास हो, क्योंकि आप सबके साथ वो जानकारी शेयर करते हो, सबको प्रोत्साहन देते हो। बहुत सारे किसानों को आपने ये इसको प्लांटेशन दिया ना, उसका तो काम हो गया, सक्सेसफुल करना है सबको। अपना अपन प्याज को कृषि अमृत वापरता है ना, हाँ, आसपास भी 4-5 जने ले लिए, चालू कर दिया है, चालू कर दिया, बहुत बढ़िया। आप ये खुशी सबके सब घरों में फैला रहे हैं। मेरा जो काम है ये भी इन्होंने लगाया, कृषि अमृत हमने भी डाला था। किस में डाला है आपने? टमाटर में डाला। अच्छा, बाकी फसलों में डाल रहे हो, तो कैसे है एक्सपीरियंस? अच्छा, वैदिक का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। क्या अलग पन लगा आपको केमिकल से? देखो, ये डालने के बाद है ना, वो जो अपने ग्रोथ है ना, हाँ, डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है फास्ट, वो जो फूट ज्यादा आ रहे, फूट ज्यादा आ रहे, पहले फूट कम आता था, मतलब केमिकल में कहते थे फूट से सिंगल बढ़ जाता था, सिंगल, फिर वो बढ़ता था, फिर बाद में नीचे से आता था, ये अभी साथ में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे, सही है ना? सही है। कितने दिन का हो गया? मेरा अभी 2 महीने का प्लॉट हो गया। अभी इतना बारिश था तो बारिश में भी तकलीफ नहीं हुई, केमिकल का होता तो? हाँ, केमिकल का होता तो तकलीफ जरूर होती, बहुत सारी स्प्रे करनी पड़ती, अभी केमिकल बिल्कुल नहीं, नहीं। अब ये जो नासिक जिला है, नासिक जिला अंगूर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये जो आपका एरिया है ये पूरा मतलब ड्राई एरिया है, यहाँ पे बंजर ये एरिया, उसके हिसाब से बहुत ही मतलब यहाँ पे ड्राई क्रॉप जैसे कपास वगैरह ऐसे लोग करते थे ना, हाँ। उपज कम है यहाँ पे, हाँ। तो जैसे जैसे बोलते कैश क्रॉप यहाँ पे कम होते, हाँ। तो आप अभी जो ड्रैगन से जो आमदनी कमा रहे हैं 2-4 एकड़ में, हाँ। वो तो आपने वो सब अंगूर वालों को पछाड़ दिया अभी, हाँ, वही बात हो गई ना। जब आए थे पहली बार तो अभी पिछले साल में आपका मुलाकात हुआ, बंगला चालू था उनका, ये भी अभी आए थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आपसे? वो ऐसे बोल रहे थे का, ये उनको बोला बताया तो पहले बहुत नाजुक परिस्थिति, आमदनी कम थी, हाँ हाँ, कुछ इधर ऐसा नहीं, उनका पुराना घर देखा है ना हमने, वो ऐसा पत्रे का घर बना के रह रहे थे, पहले गांव में रहते थे ना, चाल में रहते थे, चाल में रहते थे, हाँ, गांव में पुराना घर था ना छोड़ के मोहल्ले में आए ना, हाँ, वो बोल रहे थे बहुत कठिन परिस्थिति थी वो इनकी, और ये मतलब 2 वक्त की जो रोटी है उसका भी सवाल गिरता था कभी कभी, और ये बराबर है विशाल, उल्टा हो गया अभी। वो आए, वो मेहमान आए से बोले का, तुम हमारे यहाँ भी आओ, तुम्हारे राम सर भी लेके आओ, हमारे निपड़ तालुके में हम कम पड़ रहे, ऐसे लगा है तो उनका ये अनुकरण कर रहे थे, उनका अनुकरण वो कर रहे हैं अभी। वो इतने दिल से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो देखा है पूरे उनके पूरे जीवन में 30-40 साल उन्होंने जो सहा है, वो अभी पिछले 1.5 साल से उनका जो जीवन बदल गया, इसलिए वो भी बोल रहे हैं कि जैसे मेरा जीवन बदल गया वैसे बाकी किसानों का जीवन बदलना चाहिए, और इसलिए ये जगन्नाथ जी और उनकी सब फैमिली तुषार है, ये सब अभी उसके वजह से ये सब कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि आप खेती में देखो क्या बदलाव होते हैं, कैसे होते हैं, हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको शिक्षित करना, फिर आपको यूज़ करना न करना ही आपके ऊपर है। 100% यूज़ किया तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे जो भी जानकारी मिली, इससे और जानकारी लेके आपके हमारे और वीडियो भी देख सकते हैं, और ये किसानों को आप ये जानकारी फैलाइए और किसान को समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।